को देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सांप ने कछुए पर अटैक किया या कछुए ने सांप पर। दरअसल मामला यह है कि सांप ने कछुए की झोपड़ी में झांकने की कोशिश की, जिसके बाद कछुए ने सांप को मुंडी से पकड़कर बुरी तरह पीट डाला। अगर इस नॉर्मल कछुए की जगह एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल होता तो सांप के छोटे छोटे पीस कर डालता, क्योंकि इनकी बाइट फोर्स 1000 PSI होती है। अब आप सोचोगे नॉर्मल सांप नहीं तो एनाकोंडा तो कछुओं को जिंदा निगल ही सकता है, लेकिन कछुए की सैल बड़े होने के साथ साथ कोने से शार्प भी होती है। अगर एनाकोंडा कछुए को निगल भी गया तो शार्प एजेस की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, जिसके बाद कछुआ और एनाकोंडा दोनों मर जाएंगे। रही बाइट करने वाली बात, तो कछुए की सैल काफी ज्यादा मजबूत होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से लगभग सभी सांप कछुओं से दूर ही रहते हैं।